राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका राधा रानी क्रोसे में। तो आज बनाएंगे हम ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मंकी केक। तो मैंने ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मंकी केक बनाया और मैंने यहाँ पे छोटा सा ये पोम पोम भी बना के लगाया है। तो मैं आपको भी लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए देखिए एकदम फिट आई है। और जो मैंने ये ड्रेस लड्डू को पहना रखी है, इसकी वीडियो मैंने कल अपने मेल चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से देख के बना सकते हैं। ये देखिए कैप कितनी सुंदर लगी है लड्डू के। और मैंने इसी ड्रेस के साथ ये कैप बनाया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंगुली पर इस तरह से सर्कल बनाएंगे और इस तरह से यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। एक बनाई और इसी के अंदर मैंने एक चैन और बनाई, तो 2 चैन हो गई। अब हम धागा लेंगे और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। जो मैंने ये उंगली पे रिंग बनाई है उसके अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 12 बार बनाएंगे। तो एक हमारी 2 की चैन हो गई, एक डबल हाफ क्रोशिया हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इस तरह से मैंने 12 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाया है। अब जो ये जो धागा दिख रहा है उसे हम इस तरह से खींच के टाइट करेंगे और एकदम प्लेन सर्कल बनाएंगे। थोड़ा और टाइट लेंगे। अब जो हमारी 2 की चैन बनाई है मैंने स्टार्ट में, यहाँ पर उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से क्रोशिया ऊपर डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो धागा मैंने रखा है उसको हम साथ में ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चैन है 2 की, इसी सेम स्टिच के अंदर हम एक बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी 2 की चैन होगी, एक डबल हाफ क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, हर चैन के ऊपर हमें 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, धागा लेंगे और सारे धागे इकट्ठे एक साथ निकाल देंगे। एक बार बनाया, सेम स्टिच में एक बार और बना दिया। तो मैंने ये देखिए आप, इस तरह से मैंने हर स्टिच के ऊपर 2-2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट में भी हम जो हमारी अगली चैन है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से ही डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और 12 जो हमारे फर्स्ट में 12 मैंने डबल हाफ क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर हम 24 बार डबल हाफ क्रोशिया बना के यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये सर्कल मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये दूसरा राउंड है हमारा। अब हमें लास्ट में जो हमारी 2 की फर्स्ट में चैन है इसके ऊपर इस तरह से हम धागे को लेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम तीसरा राउंड ज्वाइन करेंगे। तो तीसरे राउंड में हमें यहाँ पर तो मैंने इंक्रीज़ किया, हर स्टिच के ऊपर मैंने एक बार डबल क्रोशिया बढ़ाया है। 12 के ऊपर मैंने 24 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमें 24 के ऊपर 24 बार ही डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। तो हम 2 की चैन लेंगे, सॉरी 3 नहीं लेंगे, 2 की चैन बनाएंगे। और जो हमारी ये फर्स्ट चैन है उसको उठाएंगे इस तरह से और इसमें हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन के ऊपर एक बार बनाएंगे, कहीं पे भी हम इंक्रीज नहीं करेंगे और हर स्टिच पर एक बार बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। 24 के ऊपर 24 बार बनाना है। तो देखिए आप, ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से जो फर्स्ट में चैन बनाई है इसके ऊपर ले जाकर हम यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। अब 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद
जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाते जाना है, हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक बार बनाते जाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे, हर चैन पर एक एक बार बनाएंगे। तो एक दो और तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, अब चौथा राउंड है हमारा। तो चौथा राउंड बनाने के बाद हमें पांचवा और छठा दो राउंड और बनाएंगे, और हमें 24 के ऊपर 24 बना के दो राउंड और कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे 6 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 राउंड बनाए हैं मैंने। अब हम आगे यहाँ से स्लिप स्टिच करके मैंने दो चैन बनाई है, दो चैन बनाने के बाद अब हम जहाँ मैंने दो की चैन बनाई है उस पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट के अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी दो की चैन हो गई, एक डबल हाफ क्रोशिया हो गया, तो दो हो गए। अब हमें फिर से एक जो अगला स्टिच है हमारा इसके ऊपर एक बार और बनाएंगे, तो दो बार बनाया। अब हम यहाँ पर 8 बार चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से मैंने ये 8 चैन बनाई हैं। 8 चैन बनाने के बाद यहाँ से हम 9 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, डबल हाफ क्रोशिया बनाए हैं तो 9 को हम स्किप कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट में ये बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह 9वीं चैन के अंदर इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर दो चैन लेंगे, दो चैन हो गई। अब यहाँ पर हम जितने भी हमारे डबल हाफ क्रोशिया बचा है इस सब के ऊपर एक एक बार बना के कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारी मंकी केप बनेगी। तो दो हो गए, हर स्टेज के ऊपर एक एक बार बनाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये राउंड यहाँ स्टार्ट में शुरू हुआ तो यहाँ पर हमारा पूरा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच करना है, लास्ट में दो की चैन के ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे मैंने दो बार बनाया है। तो अब हम दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन के अंदर डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर बनाएंगे। अब हमारी ये जो 8 चैन बनाई है मैंने इसके ऊपर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन के ऊपर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट हमारी 8। तो इस तरह से मैंने हर चैन के ऊपर एक एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाया है। अब हमें यहाँ से भी उसी तरह से ही राउंड बनाना है, हर स्टिच के ऊपर एक एक बार बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारी केप बनेगी।
तो यहाँ से, तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक हम बना के आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में इसी तरह से ही हमें यहाँ पे जो हमारी दो की फर्स्ट में चैन बनाई है इसके ऊपर हम यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे और दो चैन बनाएंगे। दो चैन बना ली, अब हम हर स्टिच के ऊपर यहाँ तक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, कहीं पे भी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं और बनाते जाएंगे लास्ट तक। हर स्टिच के ऊपर हमें एक एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से बनाना है, हर स्टिच के ऊपर एक एक बार बनाना है और राउंड को यहाँ तक आके कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जॉइंट करके धागे को यहाँ पर कट कर दिया है। तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे 6 राउंड बनाए हैं ऊपर से, तो यहाँ से मैंने 6 राउंड बनाए हैं और नीचे से मैंने 8 चैन बना के और 9 मैंने यहाँ पे 9 चैन स्किप की है और 8 चैन यहाँ पे बनाई है मैंने ये होल रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बार डबल हाफ क्रोशिए से पैटर्न बनाया है। तो यहाँ से धागे को कट करके अब हम यहाँ पर रेड ऊन को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए जहाँ से मैंने धागे को कट किया उसी जगह से ही हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सेम स्टिच के ऊपर 2 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लेंगे और जहाँ मैंने 3 की चैन बनाई है सेम स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, धागे को साथ में रखेंगे दोनों को, रेड और ग्रीन को दोनों को साथ में रखेंगे और हर चैन के ऊपर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन पर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हर चैन के ऊपर 2-2 बार बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हर स्टिच के ऊपर 2-2 बार बनाना है। तो यहाँ तक आके आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और लास्ट में हमारी जो 3 की चैन है इसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके यहाँ से एक चैन लेके धागे को कट कर देंगे। तो देखिए आप, मैं कैप को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और मैंने यहाँ पे छोटा सा पम पम भी बना के लगा दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। राधे राधे।